हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं गूगल के कनेक्ट लाइव 2019 के बारे में। देखिए दोस्तों, आज 7:20 पे, आज 5 मार्च है इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, तो आज के 5 मार्च को 7:20 AM पे हमें एक मेल आया हुआ है, जिनका भी लोकल गाइड जो है लेवल 5 है, उससे ऊपर है, उनको ये मेल आ रखा है कि अप्लाई टू अटेंड कनेक्ट लाइव 2019। तो इसके बाद से क्या है कि मतलब लोगों में भी बहुत ज़्यादा ही मतलब जोश हो रखा है लोकल गाइड के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ये मेल आ रखा है, बताइए इसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं, और ये काफ़ी फैसिनेटिंग सभी चीज़ है, क्योंकि ये आपको देखिए यहाँ पे ये आपको सैन जोस कैलिफोर्निया जाने का मौका देता है, जिसमें इस बार इन्होंने 200 लोकल गाइड्स को चुनने का बताया इसके बारे में। ठीक है, तो हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हो और इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये है कि वो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आपको 30 अप्रैल 2019 से पहले पहले आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो ये और ये जो कनेक्ट लाइव 2019 है, ये होगा नवंबर 12 से 15 के बीच में। ठीक है, इसी साल के। तो दोस्तों, जैसे देखिए, जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये कुछ ऐसा का टैब खुलेगा, टैब दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये टैब मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पे खोल रखा है पहले से ही। तो देखिए, कुछ इस तरीके का टैब दिखाई देगा जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये कब से कब होना है, नवंबर 12 से 15 के बीच में होना है, कैलिफोर्निया में होना है। ठीक है, हम 200 लोकल गाइड्स को बुलाएंगे जिनका लेवल 5 है, ऊपर जिनका भी है उनको हम चुन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बकायदा इन सारी चीज़ों को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और क्या क्या इनके क्राइटेरिया वगैरह हैं और जो टर्म्स वगैरह हैं क्या क्या मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना है यहाँ पे। देखिए, एप्लीकेशन विल क्लोजेज इन 56 डेज या 56 डेज बचे हुए हैं इसको क्लोज होने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे दोस्तों ये आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो मैंने सब कुछ पहले से ही खोल रखा है क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और मैं देख रहा था मुझे भी भरना है तो क्या करना होगा, सारा कुछ मैं देख रहा था। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको दिखाई देगा, इतनी लंबी सी फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको इनका पूरा ये बेसिकली मैं ये फॉर्म को डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, इनमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लीगल नाम लिखना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि इस केस में आपको जाना होगा USA, तो इसके लिए आपको जो है वो नाम वाम सब बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको जैसा पासपोर्ट पे लिखा हुआ है सारा कुछ होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल आप सावधानी से ये सारी चीज़ें भरिएगा, मैं भी भरूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है अपना, यहाँ बिल्कुल पढ़ के एक एक चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ के आप भरना, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको नाम भरना है, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि इफ़ रेलेवेंट, कि आप फर्स्ट नेम में कुछ अगर आप बुलाना चाहते हो अपने आप को तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। नेशनैलिटी आपका क्या है, लिस्टेड है पासपोर्ट में, वो आप यहाँ से चुनोगे। ठीक है, इन विच कंट्री डू यू करंटली लिव, आप यहाँ से ये चुनोगे। DDL यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन रखा है। ठीक है, यहाँ से आप चुन सकते हो आसानी से। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि विल यू बी एटलीस्ट 21 ईयर ओल्ड, कहने का मतलब है कि क्या आप 21 साल के हो। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्यों मांग रहे हैं 21 साल के, कम वाला बंदा भी तो एलिजिबल हो ही सकता है। फिर मैंने देखा कि वो जो है उनके इवेंट में जो है वो 21 ईयर इसलिए अलाउड है क्योंकि वहाँ पे USA में 21 ईयर इज़ द मिनिमम ईयर टू ड्रिंक अल्कोहल, तो वो वहाँ पीने का सबसे मिनिमम ईयर है, तो वो इनके इवेंट में वो चीज़ अलाउड होगी, तो इन्होंने जो है वो 21 ईयर जो है वो रख रखा है क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने खुद से रिसर्च करके पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि आपको 21 ईयर ओल्ड होने चाहिए आप। ठीक है, विथ विच जेंडर डू यू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे आपको यहाँ फिर से आपको चुनना है अपना जेंडर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखिए मेल फीमेल अदर्स वगैरह का ही है, आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद आती है व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इफ़ एनी विल यू नीड टू ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कि आई विल नीड ए वीज़ा टू विजिट द US, एक तो है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो है कि आपको ESTA की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ESTA के बारे में भी सर्च कर रहा था, तो ये वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको इनके बारे में मैं पढ़ रहा, तो इसका मुझे ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई, एक तो ESTA हो गई, एक वीज़ा हो गई, और आई हैव ए वीज़ा और एन ESTA दैट इज़ वैलिड थ्रू नवंबर। ठीक है, कि जहाँ देखो नवंबर में होना है इनका, तब तक वैलिड होना चाहिए, तभी तो आप जा पाओगे ना। ठीक है, आई एम ए US रेसिडेंट एंड डू नॉट रिक्वायर से वीज़ा, तो ये चारों ऑप्शन में जो भी आपके लिए एलिजिबल होता है वो आप भर देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद
आता है चीज़ कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर ए वीडियो अप टू 60 सेकेंड्स। अब देखिए दोस्तों, मेन चीज़ें जो है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ऊपर की जो चीज़ें हैं वो तो कोई भी कर लेता है, नाम पता भरना या सारी चीज़ करना आसान है, लेकिन यहाँ से चीज़ें शुरू होती है कि आपको 60 सेकेंड्स का एक वीडियो बनाना होगा, जो कि 1 मिनट का वीडियो बनाना होगा, और उसका लिंक यहाँ इनको शेयर करना होगा। अगर आपने यूट्यूब पर रखना चाहते हो तो यूट्यूब पर डाल दो, यहाँ पर लिंक इनको दे दो, और गूगल ड्राइव में रखना चाहते हो वहाँ रख दो, और यहाँ पर लिंक इनको पेस्ट कर दो यहाँ पर कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया है। और वो वीडियो जो होगा बेसिकली वो होगा कि टेल अस अबाउट योर फेवरेट प्लेसेस एंड व्हाट मेक्स इट स्पेशल, कि आपका फेवरेट प्लेसेस कौन से हैं और वो क्यों स्पेशल है। ये सारी चीज़ें 3 प्रॉम्प्ट है बेसिकली। प्रॉम्प्ट करने का मतलब ये 3 टॉपिक्स आपको दे दिया है इन्होंने, जिसके ऊपर आपको वीडियो बनाना है, वीडियो में आपको बोलना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। व्हाट्स वन थिंग यू वांट एवरीवन टू नो अबाउट योर कम्युनिटी, कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपनी कम्युनिटी को बताना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें तीनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हो कि व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ लोकल गाइड। इन तीनों प्रॉम्प्ट में से, तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर आप बोलना शुरू कर सकते हो वीडियो में। और वीडियो में क्या है कि आपका जो फेस है वो दिखना चाहिए, और कैमरे के सामने वो वीडियो होगा और 1 मिनट का वीडियो होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जो भी वीडियो आप बनाओ उसको आपको शेयर करना है गूगल ड्राइव पे, यूट्यूब पे, और उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आप, क्योंकि इंग्लिश जो है इनकी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब मेन चीज़, एक तो वीडियो आपने शेयर कर दिया, दूसरी लोकल गाइड्स कनेक्ट है उस पर जो है आपको एक वो लिखना है, पोस्ट लिखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं लोकल गाइड्स कनेक्ट के बारे में बता देता हूँ आपको, ये क्या चीज़ होता है। देखिए तो दोस्तों, लोकल गाइड्स कनेक्ट जो है इनका एक फोरम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक पोस्ट लिखना होगा, ठीक है। उस पोस्ट में आपको लिखना होगा कि क्यों आप पैशनेट हो चीज़ों के लिए, कि कैसे आप लोगों को शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि टेल अस अबाउट व्हाट यू आर लव शेयरिंग ऑन गूगल मैप्स एंड व्हाई। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी लोकल गाइड्स कनेक्ट इनका फॉरम पे। आप इस पर क्लिक करोगे, वो आपको फॉरम पे ले जाएंगे, और वहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आप कि वहाँ पे आपकी जो है साइन इन होनी चाहिए। साइन इन करने का मतलब आप उसके यूज़र होने चाहिए। अगर आपने कभी भी लोकल गाइड्स कनेक्ट पे अपना नहीं बनाया है, यूज़र नहीं बनाया, तो आप बना लो उसको, और वहाँ पे आपको एक पोस्ट लिखना होगा, ठीक है। उस पोस्ट को लिख के वहाँ पे आपको शेयर करना होगा। देखिए दोस्तों, तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको एक लिस्ट बनाना होगा गूगल मैप्स पे, और उसको शेयर करना होगा, ठीक है। तो जैसे लिस्ट, आप कैसे लिस्ट बना सकते हो कि 7 व्हीलचेयर एक्सेसिबल रेस्टोरेंट इन मुंबई, अ ग्रेट स्पॉट्स टू लिसन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बना दिया, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लिस्ट बनाते कैसे हैं गूगल मैप पे। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको गूगल मैप खोलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जब आप गूगल मैप खोल लेते हो तो आपको जाना है अपने सेव्ड प्लेसेस में, योर प्लेसेस में जाना है आपको, और योर प्लेसेस में जाने के बाद आपको सेव्ड प्लेसेस में जाना है, और वहाँ पे आपको जो है एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट है वन टू गो में यहाँ पे शिमला है, ये सब मैंने ऐड कर रखा है। उसी तरीके से आप भी जो है एक लिस्ट बना सकते हो, और उसको जो है वहाँ पे शेयर करना है। यहाँ से आपने लिस्ट बना लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ फ्यू सेंटेंस टेल अस अबाउट योर लोकल गाइड इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्स मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है कि आप मीटअप वगैरह होस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो अगर गूगल मैप पे, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन अ फ्यू सेंटेंस टेल अस अबाउट यू वांट टू अटेंड, कि आप क्यों अटेंड करना चाहते हो कनेक्ट लाइव 2019, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे भरना होगा। और अगर आपका ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और ब्लॉग वगैरह कुछ है, तो आप तीनों का यहाँ पे लिंक दे सकते हो अपना, और यहाँ पे आपको चेकबुक चेक करना और सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा प्रोसीजर था इस फॉर्म को भरने का, जिसमें जो मेन 3 चीज़ें थी वो ये थी कि आपको 1 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा, लोकल गाइड्स कनेक्ट पे आपको एक पोस्ट डालना होगा, और आपको एक लिस्ट बनाना होगा, ठीक है, और उसको शेयर करना होगा, ठीक है, और उसका लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी जो आपको मेन जो है वो ध्यान रखने वाली बातें थी। मैंने आपको लिस्ट बनाना सिखा दिया है कि कैसे लिस्ट बनाते हैं, मैंने आपको ये मेल दिखा दिया कि मेल क्या आया था कनेक्ट लाइव वालों का। एक चीज़ जो छूटता है दोस्तों वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ जो मेरे तरफ से छूट रहा है वो ये है कि इसके जो फैक हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कि वेन डू एप्लीकेशन ओपन फॉर कनेक्ट लाइव। तो देखिए 4 मार्च से ये एप्लीकेशन ओपन हुए हैं, वेन डू एप्लीकेशन क्लोज, तो 30 अप्रैल को ये बंद हो जाएंगे। व्हाट इज़ योर सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में यही है कि आपको 1 मिनट का वीडियो बनाना है, एक लोकल गाइड कनेक्ट है उस पर एक पोस्ट डालना है, और उस पर उसके बाद एक लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। और वी ऑल्सो बी लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी वेल राउंडेड एंड कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑन गूगल मैप ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जो ये मौका मिला आपको, अभी से आपने काम करना शुरू कर दिया। अगर आप कंसिस्टेंट हैं पिछले 12 महीनों से, तो हम उसको भी कंसिस्टेंसी को देखेंगे और उसको जो है ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर कनेक्ट लाइव, तो देखिए 21 ईयर जो है यहाँ पे
एज रिक्वायरमेंट है, व्हाट मेक्स गुड एप्लीकेशन वीडियोस, तो वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे वीडियो कैसा होना चाहिए आपको वो बता रखा है इन्होंने कि, ठीक है, ये आप देख लेना यहाँ से, ठीक है, व्हाट मेक्स गुड कनेक्ट पोस्ट, पोस्ट कैसे लिखने हैं उसका दे रखा है इन्होंने, व्हाट मेक्स गुड लिस्ट, लिस्ट पे क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑन गूगल मैप शुड इंक्लूड अ थीम, अन इन्फॉर्मेटिव टाइटल एंड ए हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जब आप लिस्ट बनाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप उसमें कमेंट ऐड कर सको, टाइटल ऐड कर सको, तो सारा कुछ आप ऐड कर देना। व्हाई डू यू रिक्वायर टू अस टू शेयर अ वीडियो, तो अब ये क्यों आप वीडियो करना चाहते हो, ये जो है वो क्वेश्चन है, तो वो बोलना चाहते हैं कि भाई हम आपके बारे में ज़्यादा जानने के लिए ये वीडियो वगैरह मांगते हैं आपसे, ठीक है। व्हाट हैपेंस एट कनेक्ट लाइव, तो वहाँ होता क्या है, तो दोस्तों देखिए इस पे जो है यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे वीडियो पड़े रखे हैं पिछले साल के, कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या किया था उन्होंने, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। 3-4 दिनों का ये इवेंट होता है जिसमें वो पूरा फन गेम वगैरह, एक दूसरे को जानने का मौका, टिप्स ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे फ़ोटो खींचना चाहिए, कैसे गूगल मैप पर शेयर करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है वो होता है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे एक शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाउ मेनी लोकल गाइड्स को सिलेक्टेड फॉर इवेंट्स, ये 200 इस बार सेलेक्ट करना है ये। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, विल यू प्रोवाइड ट्रांसलेशन, वैसा कुछ नहीं है, आपको खुद जो है इंग्लिश बोलना पड़ेगा। विल यू पे फॉर माई ट्रेवल एंड वीज़ा एस टी, ठीक है, ये जो है पे करेंगे आपका सारे वीज़ा वगैरह का, ठीक है। इफ़ सेलेक्टेड एम आई एबल टू एक्सटेंड माई ट्रिप और ब्रिंग गेस्ट, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको वो जो है गेस्ट लाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, आपका ट्रिप एक्सटेंड कर सकते हो आप अपने खर्चे पे, ठीक है, अगर मान लो 3-4 दिन का इवेंट उन्होंने दिया आपको, उसके बाद जो है आप अपने खर्चे से एक्सटेंड कर सकते हो ट्रिप, लेकिन गेस्ट लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। डू यू ओनली चूज वन रिप्रेजेंटेटिव पर कंट्री, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने लिख रखा है कि हम जो है डाइवर्स देखते हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम सबको ही चूज करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर आई सबमिट एन एप्लीकेशन, तो सबमिट कर लोगे एप्लीकेशन तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, और उसके बाद उन्होंने लिख रखा है कि द लोकल गाइड टीम्स विल ईमेल यू इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय June 3, 2019। देखिए 3 जून को आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो, ठीक है। व्हेन विल द सेलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड, तो 3 जून को आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। विल आई बी टोल्ड इफ आई हैवन बीन सेलेक्टेड, तो सबको ही मेल आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें थी इसकी, ठीक है, आप अपना प्रिपेयर करना शुरू करो, आप अपना जो है वो वीडियो वगैरह बनाना शुरू करो, पोस्ट लिखना शुरू करो, ठीक है, और इस पर जल्द से जल्दी एप्लीकेशन को फिल करो, ठीक है। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जो है वो कमेंट वगैरह पे बिल्कुल रहूँगा, और कमेंट वगैरह करते रहूँगा जैसे जैसे मुझे कुछ पता चले, तो ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी इसमें बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।